पसीने में सामान्य थोड़ी बहुत स्मेल आने एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, बट जब ये स्मेल काफी ज्यादा आने लगती है, जो कि आप खुद या फिर अन्य लोग मार्क्ड करने लगते हैं या बताने लगते हैं कि आपके पसीने में से स्मेल आ रही है, तो ये कंडीशन काफी ज्यादा अनप्लीजेंट हो जाती है, जो कि आपको खुद में अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे होम्योपैथी की 4 या 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आपकी ऑफेंसिव पर्सपिरेशन या पसीने की बदबू को कंट्रोल कर सकती हैं और क्या कारण है जिससे ऑफेंसिवनेस डेवलप होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू हैं, वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो फैमिली से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे जब भी इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोज आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। दोस्तों पसीना निकलना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, अगर पसीना नहीं होता या स्किन ड्राई रहती है तो बल्कि ये गलत चीज है। पसीना होने से हमारे शरीर के बहुत सारे मेटाबोलाइट वेस्ट जो है, चाहे वो पानी हो या नमक हो या फैट हो या अन्य कुछ ऐसे मेटाबोलाइट जो कि नेचुरली निकलते हैं हमारे पसीने से एज ए बाई प्रोडक्ट, तो ये बहुत नेचुरल प्रोसेस, अगर ये नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको स्किन की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों पसीने की, जैसे मैंने बोला कि आपके पसीने में नेचुरली हमारे शरीर के कुछ मेटाबोलाइट हैं जो कि निकलते रहते हैं, उसमें फैट, ऑयल, पानी, नमक, इस तरह की चीजें मिक्स होती हैं। कई बार ये पसीना आपके अपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए भी निकलता है, जिसमें फेरोमोन हम लोग बोलते हैं। ये अलग अलग वैरायटी के जानवरों में भी निकलता है दोस्तों, जिससे आप अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए ड्यूरिंग फिजिकल रिलेशन बनाते समय आप देखेंगे पसीने की जो स्मेल है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। खैर, तो जब ये पसीना निकलता है दोस्तों और हमारे शरीर पर नेचुरली पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु जो हमें दिखते नहीं है, जिनमें बैक्टीरिया भी होते हैं, तो जब बैक्टीरिया उस पसीने को तोड़ने लगते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो कई बार बहुत सारे लोगों को पसीने में बदबू की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसे हम लोग ब्रोम हाइड्रोसिस बोलते हैं। जब पसीना बहुत ज्यादा आता है उस कंडीशन को हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं। पसीने में अगर स्मेल आ रही है तो इसे ब्रोम हाइड्रोसिस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बेस्ट 5 दवाओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों नाइट्रिक एसिड, जिसे आपको 200 पोटेंसी में सुबह सुबह मात्र 4 दिन लेना है, फिर दवा के एक्शन का वेट करना है, कंटिन्यू इस दवा को नहीं खाना है। अगर पेशेंट को दोस्तों पसीने में ऑफेंसिवनेस एक्सर्शन के बाद, पेशेंट कुछ भी काम करता है थकता है, उसको पसीना होता है और पसीने में बदबू आती है, दोस्तों एक ही मेडिसिन केंट रिपर्टरी में लिखी हुई है जो कि होम्योपैथी की डिक्शनरी बोली जाती है, अगर आप देखेंगे तो थकान के बाद पसीने में अगर आपको बदबू आ रही है तो नाइट्रिक एसिड आपको लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों सोराइनम 200 पावर, इसे भी आपको 4 दिन सुबह सुबह कंटिन्यू लेनी है और 15 से 20 दिन का वेट करना है, दवा के एक्शन को होने देना है। अगर मरीज के ओवरऑल डिस्चार्ज, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो पीरियड हो, चाहे वो यूरिन हो, चाहे किसी भी चीज में बहुत ज्यादा ऑफेंसिवनेस स्मेल आती है और पेशेंट का बहुत स्पेसिफिक नेचर है, जब पेशेंट नहाता है नहाने के बाद भी पसीने की स्मेल जो है वो 100% नहीं जाती है, स्मेल बनी रहती है, इस कंडीशन में सोराइनम आपको लेनी है कि इवन आफ्टर बाथिंग भी अगर आपके पसीने में स्मेल बनी है तो सोराइनम 200 कुछ दिन आपको कंटिन्यू सेवन करना है। दोस्तों बाथिंग से ही कोरिलेट करते हैं, एक मेडिसिन है सल्फर 200 पोटेंसी में, इसे भी आप 3 से 4 दिन सुबह सुबह ड्रॉप ले लेंगे, 3 से 4 ड्रॉप अगर गोली में लेंगे तो 3 से 4 गोलियां सुबह सुबह लगातार 4 दिन लेना है। सल्फर को कब लेना है दोस्तों, ऑफेंसिवनेस यहां पर भी होगी बट सल्फर के पेशेंट को दोस्तों एवर्जन टू बाथिंग है, अगर पेशेंट को नहाने से एवर्जन है, पेशेंट को नहाने की इच्छा नहीं करती है। दोस्तों घनघोर गर्मियों के दिन में कई लोग हैं जो दिन में 4 बार 5 बार भी नहा लेते हैं, बट सल्फर का पेशेंट 1 बार नहाने में भी कतराता है। अगर ऐसे पेशेंट आपको मिल रहे हैं जिन्हें नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, जबरदस्ती नहाना पड़ता है एक जिम्मेदारी की तरह और उनके पसीने में स्मेल आती है, तो सल्फर 200 कुछ दिन लगातार आप देंगे, आप देखेंगे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों स्टेमोनियम 200 पोटेंसी में, फीमेल्स में ड्यूरिंग पीरियड अगर पसीने में काफी ज्यादा स्मेल आ रही है या पसीने की मात्रा बढ़ गई है तो स्टेमोनियम को लगातार कुछ दिन आप देकर देखिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है, केंट रिपर्टरी में एक ही दवा लिखी हुई है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफेंसिव एंड प्रोफ्यूज डिस्चार्ज स्टेमोनियम।
नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों मर्कसोल 200। बहुत सारे पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनके मुंह से बदबू आती है, यूरिन से भी बदबू आती है, पसीने से भी बदबू आती है और अक्सर उनको मुंह में छाले या यूटीआई वगैरह जैसी समस्या हो जाती है। मुंह में छाले अक्सर हो जाते हैं दोस्तों और पसीने में बदबू, इतना पॉइंट भी अगर आपको मिलता है तो मर्कसोल 200 देकर आप काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। मर्कसोल के पेशेंट में दोस्तों बर्निंग सेंसेशन भी पसीने में हो सकती है कि थोड़ी सी जलन जैसी लगती है जब पसीना होता है बदबू के साथ, तो इसको भी वही 4 दिन आपको देना है। कोई भी दवा बहुत लंबे दिन तक नहीं लेना है, दवा को 3 से 4 दिन ले, उसके बाद 15 से 20 दिन एक्शन का वेट करिए, आप देखेंगे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, काफी अच्छा आपको आराम हो जाएगा। इनकेस अगर 15 दिन में भी आराम नहीं मिलता है तो फिर आप इसे 3-4 दिन के लिए रिपीट करेंगे और कंटिन्यू इसका सेवन नहीं करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों पर्सनल हाइजीन रखना पसीने के केस है या पसीने की बदबू के केस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ कुछ ऐसे केमिकल है, अगर किसी का लंबा एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो पसीने में दवाओं जैसे स्मेल आने लगती है, ओवर ईटिंग ऑफ गार्लिक हो गया, गार्लिक वगैरह की स्मेल भी पसीने की ग्रंथियां बहुत जल्दी ले लेती हैं, तो कुछ कुछ स्पेसिफिक केमिकल हैं जिनको आप ओवरडोज ना करें, कम मात्रा में सेवन करें, अदरवाइज पसीने में उस केमिकल की भी स्मेल आ सकती है। बाकी नहाना अपना मेंटेन रखें, हाइजीन अपनी मेंटेन रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।